हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीतू क्रिएटिव ब्लॉग्स। यस, तो आज हम लोग बाहर जा रहे हैं, मैं, मनु, पीहू एंड मेरे हस्बैंड। आज हम लोग पूरे फ्रेंड्स फैमिली जा रहे हैं। यू कैन सी हियर, हम लोग आए हैं सेंटोसा बीच। तो ये आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यहाँ से हम लोगों को ये गाड़ी मिल गई है, मतलब ये सफारी पूरे टूर करवा देगी पूरे बीच पे, सिलोसा बीच और भी बहुत सारे छोटे छोटे बीच हैं सारे पे। तो इन सब की सैर मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। कभी भी आएँ सिंगापुर, तो सेंटोसा जो है सिंगापुर का हर्ट माना जाता है, तो यहाँ ज़रूर आइएगा। तो पहले आप देख लीजिए, पूरा सैर कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा सब चीज़ें तो आप आइएगा, अदरवाइज आपकी इच्छा। बट मुझे अच्छा लगा यहाँ के बीच के अकॉर्डिंग, बट कैन नॉट कंपेयर विथ थाईलैंड। वो तो खैर बीचों का मतलब क्या बोलूँ मैं उसे, मतलब बहुत ही अच्छा, उससे मैं कहीं कंपेयर नहीं कर सकती। मैं बाली भी गई, वहाँ भी कंपेयर नहीं कर सकती, और सिंगापुर में तो ये छोटी सी बीच है। तो ये पूरे सैर करने वाले हैं आप हमारे साथ, तो बने रहिए और सैर कीजिए पूरे बीच की। इस गाड़ी से बहुत ही अच्छी सर्विस है, फ्री सर्विस है, जो बहुत ही अच्छी है, और बहुत अच्छे तरीके से ड्राइवर भैया ले जा रहे हैं गाना गाते हुए, सकलक बूम बूम सकलक, एकदम मोटिवेट कर दे रहे हैं सबको। तो आप चलिए हमारे साथ और ऐश कीजिए। गाइज, हम लोग बीच पे पहुंच गए और आप देख सकते हैं यहाँ पे होली का पूरा चल रहा है, ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और ये सब लोग यहाँ होली मना रहे हैं। और हम लोग इस दिन संडे का टाइम था और हम लोग घूमने आ गए, सारी फैमिली, तीन चार चार फैमिली थे। तो यहाँ पे सबने अपने अपने बिछाए नीचे, सब बैठ गए और हम लोग वीडियोज़ फोटोज, आजकल तो बताइए ट्रेंड चल रहा है हर चीज़ों का, तो हम लोग ले रहे हैं। भैया लोग यहाँ सारे बच्चे खेलने के लिए अपने बीच पे सैंड के साथ, चारों फ्रेंड्स अच्छे हैं, स्कूल जाते हैं साथ आते हैं, तो सब अच्छे हैं, सब पानी में खेलने के लिए। मनु तो खैर बेचैन ही हो गई थी, बाप रे बाप, पहले तो डर रही थी लेकिन जब गई तो देखो सब लोग हम लोग बैठे हुए हैं। और ये पूजा लेकर आई है सैंडविच, बहुत सारे, दो दो बॉक्सेस भर के।
हम सबने पेट भर पूजा कर ली सबके रेडीमेड सामान सारे चीज़ों में से हमने ट्राई किया एक दूसरे का और मस्त खाया। अब देखो इवनिंग हो चुका है लेकिन मनु बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही है भाई, उसे बस पानी में खेलना है, बस पानी में। बट एट लास्ट हमने निकाला उसे, क्लीन किया। अब इवनिंग भी हो रही थी और हमें बनाना था एक रील जो हम लोग बनाने वाले थे। इस बीच पे हम चारों थे अनजान डांस पर डांस से, तो हमने सोचा चलो बनाते हैं। बट देखा यहाँ भैया बच्चों के साथ खेल रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बच्चे भी इंगेज थे, तो हमने सोचा चलो बना ही लेते हैं एटलीस्ट। तो चले हैं हम लोग रील बनाने और एक भैया को हमने दे दिया कैमरा, चलो भैया बनाओ हमारी रील। हम लोग अपना ट्रायल किए जा रहे हैं बट एट द एंड बन ही गया ऐसे तैसे, क्योंकि हमें बस एक मेमोरी क्रिएट करनी थी साथ में जो काफ़ी अच्छी लगी हमें, काफ़ी इंजॉय किया। लाइक लग रहा था बचपन हमारे अंदर है, फिर बच्चों को जबरदस्ती खींच के लाए, हम लोग वो करना नहीं चाह रहे थे। बट क्या करें, देखना कितनी तेज से भागेंगे, होते ही देखो देखो भागने लगे। अब हो गया नाइट, सो डिनर का टाइम हो गया, तो हमने यहाँ देखा कि ओपन एरिया में था और काफ़ी भीड़ था, तो अब हम लोग जा रहे हैं लिटिल इंडिया, वहाँ पे खाएंगे अच्छे से और उसके बाद अपने अपने घर हो चलेंगे। थैंक यू गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।